हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक अबाउट स्ट्रटिफिकेशन इन एग्रीनियन सोसाइटी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्ट्रेटिफिकेशन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्लियर सोशालॉजिट्स लाइक जो स्पेंसर हैं वो एक फेमस सोशलॉजिस्ट हैं एवोल्यूशनरी अप्रोच का वो बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी होती हैं वो डेवलप होती हैं थ्रू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस और ग्रुप्स से जो कि आ, जो ग्रुप्स होते हैं वो अपने आ, आपको आ, मतलब उनको प्रॉफिट मिलता है थ्रू देयर एनसस्टेरियल और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू लाइक जो डार्विनियन थ्योरी है एवोल्यूशन की आ, वो अपनी बुक में मेंशन करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वो कहता है कि जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं आ, जब वो एडाप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंगली जो सुपीरियर क्लास होते हैं जिन्हें हम फिटेस्ट कहते हैं वो पॉजेस करते हैं मोर वेल्थ पावर एजुकेशन और वो लीडर्स बनते हैं सोसाइटीज़ के वायर जो इन्फीरियर पीपल होते हैं वो रहते हैं बॉटम रैंक ऑफ सोसाइटी बस ये जो व्यू है इसको चैलेंज करते आए बाय वेरियस सोशालोजिस्ट सो जो, जो मॉडर्न सोशलॉजि जी हैं ये डेवलप करती हैं टू अप्रोच जिससे वो स्टडी करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को ये जो अप्रोच हैं ये हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल और कन्फ्लिक्टस्पेक्टिव क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं सो तो ये जो परस्पेक्टिवस हैं इनको लेटर एक्सप्लेन किया गया इन द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसमें जो होल मार्क्स इन परस्पेक्टिव है वो रिवालू करता है अराउंड द कंसेप्ट ऑफ सोशल क्लासेस नो अदर टिस्ट स्ट्रेस करता है ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासेस विद इन द सोसाइटी जो मार्क्स हैं वो देखते हैं क्लास को क्लास uh, डिफ्रेंशिएशन को जो कि एक क्रूशल फैक्टर हैं सोशल इकोनॉमिक और पोलिटिकल इनिक्वालिटी का सो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स हमें हमेशा डोमिनेट और सबॉर्डिनेट और रूलिंग या वर्किंग क्लास देखने को मिलते हैं जिसमें जो व, रूलिंग क्लास होता है वो ओन करता है मीनस ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लैंड लेबर मशीनरी और जो सब्जेक्ट क्लास या वर्किंग क्लास होता है वो वर्क करता है एज ए लेबर फोरस फ़ॉर दियर सर्वाइवल सो य जो रिलेशनशिप बिटवीन रूलिंग और वर्किंग क्लास की हमें देखने को मिलती है ये हमेशा एक्सप्ल्टिव हमें देखने को मिलती हैं इन ऑल फेज़ ऑफ द हिस्ट्री वेदर फ्यूडल हो या अदर एंशंट सोसाइटीज़ मार्क्स जो हैं वो बिलीव करते हैं एक क्लासलेस सोसाइटीज़ में आ, एक क्लास लेस सोसाइटीज़ में हमें एकवलिटी एक देखने को मिलती हैं जहाँ पर कोई भी क्लास सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है आ, सो जो मार्क्स की व्यू हैं वो ये हैं कि जो कन्फ्लिक्ट हैं वो टेक प्लेस होता है बिटवीन द क्लासेज वर्किंग एंड रूलिंग क्लास इन इज़ द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री हमें ये कन्फ्लिक्ट uh, uh, देखने को मिलता है सो so, ये जो तो व्यवस हैं ये एक्सप्लेन करते हैं uh, इनको एक्सप्लेन करता है मार्क्स लाइक इन दीज लाइनज द हिस्ट्री ऑफ ऑल हीट ही टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल इसका मतलब है कि जो हिस्ट्री है वो राइज देती हैं क्लास स्ट्रगल को दस जो फॉर्म है मार्स एन परस्पेक्टिव पर सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेसन का इसको डिराइव किया गया है फ्राम सोशल क्लासेज इसमें जो क्लासेस होते हैं वो सोशल आ, एक्ट करते हैं सोशल ग्रुपस जिसके जो मेम्बर्स होते हैं उनका कॉमन गोल होता है शेयर होता है सेम रिलेशनशिप का तो जो मार्क्स हैं वो एनालाइज़ करता है स्ट्रेटिफिकेसन कोल टाइप्स जो कि एग्जिस्ट करता हैल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ बट उसका जो मेन फोकस है, है वो है सोसाइटीज़ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इन यूरोप तो इस टाइम के डूरिंग दु, जो यूरोप है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट मोड प्रोडक्शन के अंडर था जहाँ पे जो सोसाइटी थी वो डिवाइड uh, थी इनटू द मेन क्लासेस इंडस्ट्रियलिस्ट कैप्टलिस्टस जो कि ओन करते थे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वर्किंग क्लास जो कि अर्न करते थे अपनी लिविंग को आ, आ, काम करके सो so, जो मार्स की टर्म है टू क्लासेस की जो कैपिटलिस्ट क्लास कहलाते हैं और जो प्रोलिट्रेट है उन्हें वर्किंग क्लास कहलाता है जिसमें जो मार्क्स हैं वो डिफ़ाइन करता है कि आ, जो कि ऑन करते हैं मीनस ऑफ प्रोडक्शन वो हमेशा चाहते हैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना और जो लावर होते हैं और वो लावर वेजस पेड करते थे वर्कर्स को हायर प्रॉफिट को कमाने के लिए मेनली जो आ, वर्कर्स को पे किया जाता था वो बहुत ही कम होता था अकॉर्डिंग टू दे दियर वैल्यू ऑफ वर्क दस जो वैल्यू आ, दस जो कैपिटलिस्ट थे वो अर्न करते थे ज़्यादा से ज़्यादा सरपलस वैल्यू जिसमें जो कैपिटलिस्ट प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करते थे आ, जो लेबर्स थे वो प्रोड्यूस करते थे वैल्यूस दस जो रिलेशनशिप बिटवीन हमें बर्गी और प्रोलिटरेट Uh, की देखने को मिलती है वो एक म्यूचुअल डिपेंडेंस और कन्फ्लिक्ट के बेस्ड अपॉन है uh, जो कि एग्जिस्ट करती आई बिटवीन द एक्सप्लाइटर्स एंड एक्सप्लाइट ऑपरेसर एंड ऑपरेसड सो मार्क्स के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन और अप्रोलिटेट और रूलिंग क्लास हैं जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिला कैपिटलिस्टिक सिस्टम का और थ्रू जो क्लास कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस हमें देखने को मिली कलेक्टिव एक्शन देखने को मिली और सोशल चेंजेस देखने को मिले uh, जो मार्स हैं वो आल्सो डिफरेंशिएट करता है क्लास कॉन्शियसनेस को विद फॉल्स कॉन्शियस वो कहते हैं कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस हैं ये बिलीफ हैं सुपीरियर और अपर क्लास को राइट right हैं कि वो उन पे रूल करे वो आ, जो कि एक रॉन्ग पिक्चर देता है रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल क्लासेस मार्क्स की जो थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज़ किया बाय द वेरियस सोशलॉजिस्ट लाइक टी पी पुटू वो ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी बुक में क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी नाइनटीन सिक्सटी फाइव अब वो कहते हैं कि जो ओवर द पास्ट एटी यर्स जो मार्क्स की थ्योरी हैं ये सब्जेक्ट बनती आई वेरियस क्रिटिसिजम्स की इवन टू इस पर भी आज भी क्रिटिसिज्म किए जाते हैं सो so जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं ये मोर कम्प्लेक्स हमें देखने को मिलती हैं रादर दैन बाईपोलर और रिजर्ड सिस्टम जो मार्क्स हैं वो आल्सो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर देयर कंसेप्ट ऑफ क्लास जिसकी uh, उसकी जो प्रडिक्शन थी अबाउट द फ्यूचर क्लासेस जो कि अन अचीवेबल थी मोस्ट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटीज़ में uh, जो कॉन्शसनेस एंड बिहेवियर हैं वर्किंग क्लास का वो हमें मॉडरेट और ओपन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जैसे मार्क्स ने होप की थी सो so, जो मार्क्स का क्लास एनालिसिस है ये लोड करता है विद वेरियस पोलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल बेस जो कि आलसो uh, कॉसि रिलिजस uh, बेस पे मतलब बेस अपन है कॉसियो रिलिजस uh, बेस पे भी बिसाइड जो करंट साइंटिफिक इंटरस्ट हैं कलास की सो uh, कलास so, की वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम मार्सिय थ्योरी टू मारसियन थ्योरी ऑफ कलास टू स्ट्रगल फॉर इंडिविजुअल मोबिलिटी ड्यू टू द करंट टेक्नोलॉजिकल इकनॉमिक एंडवॉर्मेंट चेंजेज जो की टेक प्लेस हुई जिन्होंने चेंज किया कंसेप्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी टूवर्ड द मिडिल कलास सोसाइटीज सो so, अगर हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन कैपिटलिस्टिकल कला स्ट्रक्चर की जो कि दी है बाय मैक्स वेब मैक्स वेबर क्योंकि एक ग्रेट जर्मन सोशलॉजिस्ट था उसने आल्सो डेवलप किया एनालिसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अराउंड द वेवस ऑफ मार्स जिसमें वो मेंशन करते हैं कि जो क्लास है वो डिफ़ाइन करते हैं एक पर्सन की पोजीशन विद इन द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम और वो प्रोवाइड कर रहा है कम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसमें जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कुछ भी नहीं है बट ये अनकल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की सो so, जो पावर है इसको हम डिराइव करते हैं फ्राम डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक जो मार्स हैं वेबर देखते हैं क्लास को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी याट जो वेबर हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो भी एक्शनस होते हैं इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स के आ, उनको हम अंडरस्टूड नहीं कर सकते हैं खाली इन इकोनॉमिक टर्म्स इन विच जो वेबर हैं वो थ्री कंसेप्ट देता है स्ट्रेटिफिकेशन के जो कि बेसड अप ऑन है क्लास स्टैट्स एंड पावर सो जो वेबर हैं वो कहते हैं कि डिफरेंट उसका जो थाट है वो डिफरेंट है फ्राम द मार्स अबाउट द ऑफ क्लास एंड मेबरशिप ऑफ द क्लासेज वेबर इंडिकेट करता है फोर मेन क्लासेस अपर जितने हम प्रोलेटेड कहते हैं और पेटेट बर्ग एग्ज़ जिसमें हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस मैन और प्रोफेशनल्स को थर्ड जो है वो है मिडल प्रॉपर्टी लेस जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है मेनली वो वर्कर्स होते हैं और फोर्थ जो है वो है मैनुअल वर्किंग ऑफ टू क्लासेस इट इज़ वर्किंग एंड रूलिंग क्लास इसी तरह जो स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू वेबर कोई भी सोशल ग्रुप है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका शेयर्ड हॉनर होता है स्टेटस रिलीजन इतनी ग्रुप मेंबरशिप टीज एटस्ट्रा बट मेन एक्सप्रेशन जो है स्टेटस ग्रुपस का वो है लाइफ स्टाइल मेनली मॉडर्न सोसाइटीज़ में इंडिविजुअल स्टेटस है ये यूजुअली डिराइव होता है फ्रॉम इकोनॉमिक एंड क्लास सिचुएशन सो अनदर जो है वो है पार्टी अकॉर्डिंग टू वेबर जो पार्टी है ये एक पॉलिटिकल डायमेंशन है स्ट्रेटिफिकेशन का और जो वेबर है वो डिफाइन करता है पार्टी को एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि डील करते हैं इन द पॉलिसी मेकिंग डिसीजनज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन जो कि आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन को इसी तरह जो राइट right हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं मास के कंसेप्ट को कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कंट्रोल के जिसमें वो इंक्लूड करते हैं सम आइडियाज़ ऑफ वेबर के थ्योरी के अकॉर्डिंग टू राइट हमें कुछ डायमेंशन देखने को मिलते हैं कंट्रोल के ओवर ऑन इकोनॉमिक रिसोर्स इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सो फर्स्ट जो कंट्रोल है ओवर ऑन फिजिकल मीनस ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लैंड फैक्ट्रीज ऑफिस सेकेंड जो है कंट्रोल ओवर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल थर्ड जो है कंट्रोल ओवर ऑन लेबर फोर्स सो ये जो थ्री डायमेंशनस हैं ये बेसिस हैं जो कि हमें एलो करते हैं आइडेंटिफाई करने में मेजर क्लासेस सो क्रिटिक्स ऑफ राइट के जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं बहुत ही लेस डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं एनालिसिस ऑफ कंट्रोडिक्ट्री क्लास और वेबर के एनालिसिस का अपार्ट फ्रॉम जो राइट हैं, अपार्ट फ्रॉम राइट जो पार्किंस हैं उसकी जो थोरी ऑफ क्लास हैं आ, वो एसोसिएट हैं विद वेबर एंड मार्स की थ्योरी से जिसमें जो पार्किन है वो एग्री करते हैं विद द कन्सेप्ट ऑफ आउनरशिप ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि बेसिस फाउंडेशन होती है क्लास स्ट्रक्चर की हाउ एवर अकॉर्डिंग टू द पार्किन जो प्रॉपर्टी है ये एक फार्म है सोशल क्लोजर की मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ग्रुप्स मेंटेन करते हैं सो आ, उनके कंट्रोल को ओवर ऑन दियर रिसोर्स जो कि एक मोनोपलाइज सिस्टम आ, हमें देखने को मिलता है जिसको क्रिएट करते हैं आए माइनॉरिटी और यूज करते हैं इसको एज अ बेसिस ऑफ पावर एंड कंट्रोल ओवर ऑन अदर्स बिसाइड जो वेबर हैं वो इंक्लूड करते हैं बहुत सारे सोशल क्लोजर के लाइक इथनिक रिजन सॉरी इथनिक ऑरिजन लैंग्वेज रिलीजन एट्सट्रा सो so, वो आल्सो आर्ग्यू करता है कि जो भी मॉडल्स हैं क्लास स्ट्रक्चर के वो इनकम्प्लीट हैं और जो क्लास मॉडल्स हैं वो बेस्ड अपॉन है ओनरशिप और पर्सनल मार्केटेबिलिटी और मार्केट पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल की सो so, गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसीप्लिन चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग